नमस्कार दोस्तों, वर्द बजट के चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ 30 KVA का टाटा 709 का डीजल जेनेटिक सेट, जो कि पूरी तरीके से हम लोगों ने रिकंडीशन करके अपने फैक्ट्री में बनाया है। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये टाटा 709 इंजन के साथ में हमने 30 KVA 3 फेज का ऑल्टरनेटर लगाया है। सिंगल बैरिंग का जेनसेट हम लोगों ने बनाया दोस्तों। ये पूरी तरीके से हम लोगों ने शोरूम कंडीशन में जेनसेट को बना दिया है। ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, मैं 100% लोड डाल के दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। आप देख सकते हैं पूरा जेनसेट ये रेडी हो चुका है। पूरा इंजन का हम लोगों ने एक नंबर का काम किया है। चारों स्लीव, पिस्टन पंप, नोजल हेड सारा हम लोगों ने इसका काम किया हुआ है दोस्तों। ये 100% कॉपर वाइंडिंग है। हम लोगों ने इसमें 30 KVA 3 फेज का ऑल्टरनेटर लगाया है, जो कि सिंगल बैरिंग सेट हम लोगों ने बनाया है बिना कपलिंग के दोस्तों। इसका फायदा ये रहता है, एक तो रबड़ की कपलिंग नहीं होती और दूसरा ये इंजन बहुत कम जगह लेता है, स्पेस कम लेता है, क्योंकि इसकी लंबाई कम हो जाती है। देख सकते हैं टाटा 709 का इंजन है, इसकी प्लेट चौड़ी होती है, टाटा 407 की प्लेट छोटी होती है दोस्तों। मार्केट में आपको टाटा 407 के साथ में मिलेगा 30 KVA, बट वो लोड नहीं लेता है क्योंकि वो इंजन 25 KVA तक का ही लोड लेता है। अगर आपको पूरा 30 KVA का लोड चलाना है दोस्तों, तो टाटा 709 का ही इंजन लगाना चाहिए, क्योंकि वही 100% 30 KVA का लोड लेता है। इसलिए हम 30 KVA का जनरेटर टाटा 709 में बनाते हैं दोस्तों। ये जनरेटर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं बिल्कुल भी धुआं नहीं है, कोई शोर नहीं है, एक आवाज़ में इंजन चल रहा है। देख सकते हैं किसी टाइप का कोई धुआं नहीं है, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है दोस्तों, और बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है। किसी टाइप का कोई आपको वाइब्रेशन नहीं मिलेगी। देख सकते हैं रेडिएटर वगैरह में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। देख सकते हैं प्रॉपर हम लोगों ने बैंको जाली का रेडिएटर लगाया है इसमें, एल्यूमिनियम वाला, जो कि प्रॉपर कूलिंग करता है। पूरा 1 VDM के हम लोगों ने हॉस्पेट लगाया। ये पार्ट 1 वीडियो दोस्तों, पार्ट 2 में मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा, पेंट वगैरह होने के बाद दिखाने वाला हूं दोस्तों, तो उसको भी जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो दोस्तों लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये देख सकते हैं पूरा एक आवाज़ में इंजन चल रहा है, कोई वाइब्रेशन नहीं मिलेगी आपको, किसी टाइप की कोई धुआं नहीं है। अभी मैं आपको 100% लोड डाल के भी दिखाऊंगा पैनल में ले जाके, देख सकते हैं प्रॉपर सब चीज़ें चल रही है। चलिए दोस्तों पैनल पे चलते हैं, वहाँ मैं आपको भी 100% लोड डाल के दिखाता हूँ। जनरेटर पे 3 फेज का जनरेटर है, इसलिए 3 फेज में हम लोग लोड डालेंगे। ये देख सकते हैं 51 फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने सेट कर दिया दोस्तों। 430-440 वोल्टेज मिलेंगे आपको, 250 के आसपास फेस टू फेस न्यूट्रल फेस मिलेगा। अब इस पर लोड डालना चालू हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं आपको नज़र आ रहा होगा, क्लैंप टेस्टर से हम लोग 3 फेसों पर लोड डालेंगे धीरे धीरे करके, और लगभग 100 एम्पीयर के आसपास हम लोग लोड डालने वाले हैं दोस्तों, जो कि इसका लगभग 100% बन जाता है दोस्तों। 30 KVA का 100% लोड 120 एम्पीयर बनता है। मैं आपको 100 एम्पीयर के आसपास लोड डाल के दिखाऊंगा इस पर, देख सकते हैं लोड डालना चालू हो चुका है। लगभग 30-30 एम्पीयर 2 फेसों पर डालेंगे और 40 एम्पीयर 1 फेस पर डालेंगे दोस्तों। टोटल 100 एम्पीयर लोड डाल के दिखाऊंगा मैं आपको, साथ के साथ फ्रिक्वेंसी भी दिखा रहा हूँ आपको। देख सकते हैं 50 फ्रिक्वेंसी है और लगभग 60 एम्पीयर लोड 2 फेसों पर डाल चुका है। अभी 3रे फेस पर लोड डाला जा रहा है दोस्तों। और चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं करीब 40 एम्पियर लोड हम लोगों ने इस फेस पे भी डाल दिया, 43 एम्पियर। और आपको भी मैं जनरेटर पर ले जाके भी दिखाने वाला हूँ दोस्तों, देख सकते हैं 49.5 फ्रिक्वेंसी है, 3 फेसों पर लोड डल चुका है। देख सकते हैं करीब 30 एम्पियर इस फेस पर है और 2रे फेस पर भी लगभग 30 एम्पियर लोड है। ये देख सकते हैं दोस्तों 30-30 एम्पियर इस पर है और 40 एम्पियर लोड इस फेस पर चल रहा है, यानी टोटल 100 एम्पियर लोड इस टाइम जनरेटर पर चल रहा है। ये देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी आपके सामने 49.5 फ्रीक्वेंसी है दोस्तों। और मैं जनरेटर को लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या परफॉर्मेंस आ रही है इस कंडीशन में। ये देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है, धुएं का नामो निशान नहीं है, 100% लोड पे लगभग ये जनरेटर चल रहा है और इंजन को पता भी नहीं चलता कि उसके ऊपर 100 एम्पीयर लोड चल रहा है। इसे कहते हैं दोस्तों क्वालिटी। ये देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल भी शोर नहीं है, एक आवाज़ में इंजन चल रहा है। आपके सामने क्वालिटी है दोस्तों, 100 एम्पीयर लोड पे इस टाइम जनरेटर चल रहा है और इंजन को पता भी नहीं चल रहा है। इसीलिए हम लोग दोस्तों टाटा 709 का इंजन लगाते हैं, कि टाटा 407 का होता तो धुएं की रेल मचा देता। ये देख सकते हैं किसी टाइप का कोई धुआं नहीं है, कोई बैक नहीं है, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है। एक नंबर का हम लोगों ने काम किया है, चारों लाइन और पिस्टन सब इस पर नए डले हैं दोस्तों। इसे कहते हैं दोस्तों क्वालिटी। देख सकते हैं बिल्कुल बैक नज़र आ रही नहीं आ रही होगी आपको, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है। देख सकते हो कोई लीकेज नहीं है, किसी टाइप का कोई शोर नहीं है। अभी मैं आपको वोल्टेज भी चेक कराने वाला हूँ दोस्तों। देख सकते हैं बिल्कुल भी धुआं नहीं है इंजन के ऊपर, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है, किसी टाइप की भाप नहीं है। एक क्वालिटी वाला काम हम लोगों ने इसमें किया हुआ है, पूरा इंजन अच्छी तरह ओवरऑल किया है सारे। देख सकते हो रेडिएटर वगैरह में कोई वाइब्रेशन नहीं है, 100 एम्पीयर लोड पर भी इंजन बिल्कुल फ्री चल रहा है। इसका फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छा आने वाला है दोस्तों, 3.5 से 4 लीटर का आएगा यह फुल लोड पर। और 6 पहिए की हम लोगों ने ट्रॉली बनाई है इसकी, ताकि वाइब्रेशन बिल्कुल भी ना हो। देखिए अभी हम लोग इस पर आपको वोल्टेज भी मैं चेक कराने वाला हूँ दोस्तों, कितने वोल्टेज आ रहे हैं ये देख सकते हैं। मैं भी अपने हाथ में मीटर ले लेता हूँ, ताकि लड़का अच्छी तरीके से तारों को लगा पाए। ये देख सकते हैं आप दोस्तों न्यूट्रल फेस में 250 वोल्टेज निकल रहा है। ये 3 फेसों में चेक कराइए तो मैं आपको
देख सकते हैं। और अभी आपको मैं फेस टू फेस भी दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए फेस टू फेस में भी पूरा 350 वोल्टेज सिस्टम आ रहे हैं। देखिए 430 वोल्टेज है, फेस टू फेस में भी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है दोस्तों ये। इसको कहते हैं दोस्तों, तो वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करना ना भूले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें दोस्तों। अब इस पर हम लोग हटा के जनरेटर को बंद करने जा रहे हैं दोस्तों। लोड इस पर हट चुका है, अब लड़का जनरेटर को बंद कर देगा दोस्तों। तो जनसेट पूरा शोरूम कंडीशन में रेडी हो चुका है 100%, एक नंबर का हम लोगों ने काम किया, सारा सामान नया डाला हुआ है इसमें, जैसा कि पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा इसको दोस्तों। क्वालिटी वाले काम के लिए आप हमारे पास जरूर संपर्क करें। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दिए गए नंबर पर जनसेट ऑर्डर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।